19वीं सदी का भारत, जब देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। गुलामी की प्रताड़ना और विदेशी हुकूमत के शासन में देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। इस समय देश के अनेक सपूत ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने में अपना सर्वस्व लगाए हुए थे और साथ ही एक खुशहाल भारतवर्ष का सपना संजो रहे थे। देश के इन्हीं महान सपूतों में से एक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना कई मायनों में अनन्य थे। विशाल और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मालवीय जी एक महान समाज सुधारक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता और आडंबर रहित धर्म परायण व्यक्ति थे। किंतु इन सबसे ऊपर थी उनकी दूरदर्शिता। एक खुशहाल उन्नत देश की स्थापना के लिए महामना का स्पष्ट मत था कि देश के नौजवानों को श्रेष्ठ उच्च शिक्षा हासिल होनी चाहिए। यद्यपि देश में उच्च शिक्षा की नींव 1857 में ही पड़ चुकी थी, जब बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, किंतु उस समय के सभी विश्वविद्यालय ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे थे। देश प्रेम में रचे बसे मालवीय जी देश में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र चाहते थे जहां आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वाणिज्य के साथ साथ देश की संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म और प्राचीन दर्शन का समेकित रूप में अध्ययन हो, जहां पूर्व और पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों का सौहार्दपूर्ण सम्मिलन हो, जहां से निकला छात्र ज्ञान के क्षितिज पर वैश्विक होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा हो। वर्ष 1904, मालवीय जी के इस विचार को मूर्त रूप मिलना प्रारंभ हुआ, जब महाराजा बनारस की अध्यक्षता में धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। मालवीय जी ने इस महान यज्ञ की पूर्ति हेतु 51 रुपए का पहला दान अपने पिता से ग्रहण किया। मालवीय जी के सत प्रयासों को दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महाराजा दरभंगा। दोनों ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से रॉयल चार्टर के तहत हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मालवीय जी की मांग का समर्थन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 से संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सौंप दिया। 4 फरवरी 1916, दिवस बसंत पंचमी, मालवीय जी का स्वप्न साकार हुआ, जब हजारों लोगों की उपस्थिति में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। रियासतों के राजाओं से लेकर आम आदमी तक, उद्योगपतियों से लेकर ग्रामीण कृषक तक, संपूर्ण देश से आर्थिक सहयोग लेकर मालवीय जी ने इस महान परिसर का निर्माण किया। लगभग 1360 एकड़ के विशाल भूभाग पर फैला यह विश्वविद्यालय वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है। विश्वविद्यालय का अभिन्यास एक उगते सूर्य के समान है। भारतीय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्ञान के फैलते प्रकाश का द्योतक है। मुख्य द्वार सिंह द्वार से प्रवेश करने के साथ ही यहां का पर्यावरण मन को आकर्षित करने लगता है। सुनियोजित स्वच्छ सड़कें, सड़क के दोनों किनारे वृक्षों की कतार, कहीं फूल से लदी लताएं और झाड़ियां तो कहीं मौसमी फलों से लदे वृक्ष, और इन सभी के बीच से झांकते पुराने
तथा नए स्थापत्य के प्रतीक विभिन्न भवन और इमारतें। शिक्षा से चरित्र निर्माण और बेहतर नागरिक बनाने के मालवीय जी के विचारों के अनुरूप यह विश्वविद्यालय दुनिया का संभवतः अकेला विश्वविद्यालय है जहां नर्सरी और प्राइमरी से लेकर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा उपलब्ध है। इस अनूठे विश्वविद्यालय में एक ही परिसर के भीतर 3 महत्वपूर्ण संस्थान, 15 संकाय, 119 विभाग, 1 कॉलेज तथा अनेक अंतर विषयक केंद्र हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध है वाराणसी में संचालित 4 महाविद्यालय तथा 3 विद्यालय। आधुनिक चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद दोनों चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है चिकित्सा विज्ञान संस्थान। चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 3 संकाय, आधुनिक चिकित्सा संकाय, आयुर्वेद संकाय तथा दंत विज्ञान संकाय कार्यरत हैं। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ जुड़ा है 1200 बिस्तर की उपलब्धता से युक्त सर सुंदरलाल अस्पताल। आधुनिक चिकित्सा की समस्त सुविधाओं से युक्त यह अस्पताल देश के बड़े भूभाग की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अस्पताल में उपलब्ध नवीन सुविधाओं में ट्रॉमा सेंटर भी जुड़ गया है। कृषि विज्ञान संस्थान अपने 11 विभागों के साथ देश के कृषि क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान में अतुलनीय योगदान दे रहा है। आधुनिक समय के यक्ष प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण और स्वपोषित विकास को ध्यान में रखकर पर्यावरण तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना की गई है। एक अन्य संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान होने के पश्चात भी अनेक रूपों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इन संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न संकाय ज्ञान के विभिन्न प्रारूपों के अध्ययन के केंद्र हैं। 21 विभागों तथा 5 अंतर विषयक केंद्रों के साथ कला संकाय विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संकाय है। मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराता है सामाजिक विज्ञान संकाय। यहाँ 5 परंपरागत विभागों के अतिरिक्त 5 केंद्र कार्यरत हैं। वित्त, व्यापार एवं वाणिज्य पर अध्ययन के लिए वाणिज्य संकाय तथा प्रबंध संकाय है। मानव जीवन के कला पक्ष के अध्ययन हेतु दृश्य कला संकाय, संगीत एवं मंच कला संकाय कार्यरत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय कानून, मानवाधिकार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण की नवीन पद्धतियों तथा मूल्य आधारित शिक्षा के अध्ययन का स्थल है शिक्षा संकाय। आधुनिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं के अध्ययन की स्थली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय। 15 विभाग तथा 6 केंद्रों को संचालित करते हुए विज्ञान संकाय का स्थान देश के अग्रणी विज्ञान अध्ययन संस्थानों में है। प्राचीन धर्मशास्त्रों, आध्यात्मिक ग्रंथों तथा संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन हेतु संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का गठन मालवीय जी के विचारों के अनुरूप किया गया था। महिला शिक्षा पर महामना का अत्यधिक जोर था और उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का एक और परिसर मिर्जापुर जिले में बरकच्छा में स्थित है। दक्षिण परिसर की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में नौजवानों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है।
विश्वविद्यालय के वातावरण में विज्ञान, कला और दर्शन के अनूठे सम्मेलन का अप्रतिम उदाहरण है यहाँ का कुलगी। यह देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के कवि हृदय से प्रस्फुटित रचना है। ज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्वविद्यालय में देश भर से तथा लगभग 40 देशों के 30,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। परिसर के भीतर अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए लगभग 1400 क्वार्टर्स हैं। बाहर से आए अतिथियों के लिए अतिथि गृह हैं। विश्वविद्यालय में 80 छात्रावास हैं, जिनमें लगभग 15,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं। विदेशी छात्रों के लिए सुविधायुक्त अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल तथा अंतर्राष्ट्रीय फ्लैट्स की व्यवस्था है। छात्रावासों में सुरक्षा, इंटरनेट तथा मॉड्यूलर किचन के रूप में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के विकास के लिए छात्रावासों के सामने हैं खेल के विशाल मैदान, जहां विभिन्न खेलों की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शारीरिक सौष्ठव के लिए आधुनिक मशीनों से युक्त जिम की सुविधा है, तो मन की एकाग्रता के लिए विश्वविद्यालय में योग केंद्र भी कार्यरत है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की श्रेष्ठता का एक मापदंड है पुस्तकालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 15,00,000 से अधिक पुस्तकों की उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त यहां 13,000 ऑनलाइन जर्नल, 50,000 ई पुस्तकें, डेटाबेस तथा अनेक दुर्लभ डिजिटल पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। केंद्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त विभिन्न संकाय तथा विभागों में पुस्तकालयों की एक लंबी श्रृंखला है। आधुनिक समय के अनुरूप विश्वविद्यालय में साइबर लाइब्रेरी भी है, जिसमें 400 छात्रों के बैठने की सुविधा है। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए छात्र स्वास्थ्य संकुल है। यहां छात्रों को डॉक्टरों के द्वारा उचित स्वास्थ्य परामर्श के अतिरिक्त मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाती है। छात्र स्वास्थ्य संकुल में रोग निदान की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुरूप सर सुंदरलाल अस्पताल के रोग निदान और स्वास्थ्य परामर्श संबंधी सुविधाएं भी छात्रों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय में अनेक केंद्र कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय पर्वतारोहण केंद्र साहस और रोमांच से भरपूर पर्वतारोहण तथा साहसिक खेलों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में रोजगार तथा मार्गदर्शन ब्यूरो कार्यरत है, जो छात्रों को बेहतर रोजगार के लिए मार्गदर्शन देता है। प्लेसमेंट सेल विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा कैंपस चयन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा छात्रों में देश सेवा तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति जागृति पैदा की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रों में अनुशासन तथा देशभक्ति के जज्बे को पोषित करता है। अर्न वाइल लर्न, अर्थात अध्ययन के साथ आजीविका,
इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अंशकालिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। परिसर में बने छात्रावासों से बाहर शहर में निवास करने वाले छात्रों के सांस्कृतिक उन्नयन का केंद्र है सिटी बेलीगेसी। छात्रों की किसी भी समस्या के समाधान हेतु सदैव तत्पर है विश्वविद्यालय का अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में छात्रों की अनेक खेलकूद तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का संचालन किया जाता है। प्रतिवर्ष यहां वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन होता है, जहां छात्रों के भीतर छुपी कला, संगीत और नृत्य की प्रतिभा को उचित मंच मिलता है। परिसर में समय समय पर होने वाले कला प्रदर्शनी, गीत संगीत कार्यक्रम, मेले और उत्सव इसे जीवंत बनाए रखते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के समावर्तन समारोह में छात्रों को देश की महान विभूतियों से दीक्षांत भाषण सुनने का अवसर मिलता है। परिसर के केंद्र में स्थित है आध्यात्मिकता का प्रतीक भगवान विश्वनाथ का मंदिर। सफेद संगमरमर से बने इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं मालवीय जी की इच्छा अनुसार हुआ था। विद्यार्थियों में कर्म योग की शिक्षा देने हेतु मालवीय भवन में गीता प्रवचन का आयोजन किया जाता है। छात्रों में सदाचार और श्रेष्ठ नैतिक आचरण के संवर्धन हेतु मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र की स्थापना की गई है। राय कृष्णदास द्वारा स्थापित भारत कला भवन दुर्लभ एवं प्राचीन कलाकृतियों का संग्रहालय है। अपनी 13 वीथिकाओं में संग्रहालय देश की प्राचीन और अनमोल धरोहरों को संजोए हुए है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संभवतः अकेला विश्वविद्यालय है जिसके पास माइक्रो एयरक्राफ्ट है। इतने विशाल और विस्तृत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड की। यहां के जवान सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद और चौकस रहते हैं। कुलपति के रूप में देश के महान शिक्षाविदों तथा प्रशासकों के नेतृत्व में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुशल नेतृत्व के गुरुतर दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाहन कर रहे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूज्य महामना की तपस्थली, कर्मभूमि एवं हम सबके लिए श्रद्धा का स्थान रहा है। 100 वर्षों की अपनी सुदीर्घ जीवन यात्रा में इस विश्वविद्यालय ने अपने महनीय योगदान के आधार पर पूरे विश्व में अपनी अप्रतिम छवि एवं उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है। यही वह विश्वविद्यालय है जो अपने विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के साथ साथ उनमें नैतिकता एवं चरित्र निर्माण अपना प्रमुख उद्देश्य मानता रहा है। 21वीं शताब्दी के इस दौर में जब भारत पूरे विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है, उस समय इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते हमारी भूमिका अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना हमारे लिए गौरव का विषय है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, यह हमारा शताब्दी वर्ष है, यह हमारे लिए एक अवसर है। हम इसे विश्व मंच पर फिर से प्रतिष्ठापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको
हार्दिक बधाई देते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। भारत सरकार ने देश सेवा के महामना के अतुलनीय योगदान के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए भारत रत्न प्रदान किया। मालवीय जी के परिवार ने यह भारत रत्न मालवीय जी की कर्मभूमि और उनके विशाल परिवार काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सौंप दिया। उच्च शिक्षा के इस अनूठे केंद्र का उद्देश्य महज शिक्षित करना नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। यहां शिक्षा सिर्फ जीविकोपार्जन का माध्यम मात्र नहीं है, वह मूल्यों और आत्मविश्वास का आधार है। यहां ज्ञान का प्रसार ही नहीं, ज्ञान का सृजन भी महत्व रखता है। विद्यार्थियों, तुम ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो। आओ हम अपने मन की ओर भी ध्यान दें। देखो, हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है। इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, गणना शक्ति, रचना शक्ति, स्मृति भी भेदा हम सबको चकित करती है। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, कैसे कैसे काव्य बनाए, क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं और कर रहा है, ये थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। घट घट व्यापक राम जपरी, मत कर भर झूठ मत भाख, मत कर धन हर मत मत चाख, जियो मत मार या मत खेल मत परी, यही तेरो तपरी। इतने भाव को हृदय में स्थान दोगे तो परमात्मा भी को सुख देगा और मान देगा और देश का गौरव बढ़ाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी एच यू वर्ल्ड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एच यू वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एच यू वर्ल्ड पर और मैं मोहित तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एच यू वर्ल्ड। मैं रश्मि सिंह, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। हेलो हेलो एंड वेलकम टू बी एच यू वर्ल्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी एच यू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको बी एच यू से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं।